औकात को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, 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 अल्लाह बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। बादशाहों का बादशाह है अहम पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशन स्पीकर। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बेहयाई हुई लाहौर में और गंदगी हुई लाहौर में, इंशाल्लाह ताला अहम पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से मैं खुद जो है लाहौर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ में पेश करूँगा, जिससे इंशाल्लाह ताला ये उलझी हुई ज़रूर जो है उलझेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। तमाशा है मीनार पाकिस्तान हुआ, उसमें जो है ये बेहयाई की और जो है ये दरंदगी की जो डोर है उसको सुलझाने के लिए स्पेशली हेलो पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से मैं कराची से आया हूँ, क्योंकि इसकी जो गूंज है वो ना सिर्फ कराची में बल्कि ये है कि इंटरनेशनली भी हमारे दुश्मनों में भी इसकी गूंज को सुना गया। और बहुत जल्द मैं एक इधर ही लाहौर से इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो वायरल करूँगा और जो है मैं चीफ़ जस्टिस साहब इमरान ख़ान के लिए भी इंशाल्लाह और लीडरशिप के लिए भी और आवाम के लिए भी उसमें बहुत सारा सोलूशन आर्किटेक्चर मिलेगा। अल्लाह बादशाहों का बादशाह। जी सर, क्या नाम है आपका? हारून। हारून भाई, क्या कहेंगे ये तमाशा लाहौर जो हुआ? सर ये वाकया लाहौर हुआ है, ये एक हादसा नहीं, एक्चुअली तमाशा लाहौर है, ये वाकया तमाशा हुआ है। ये तकरीबन आप कहें कि एक ताली एक हाथ से बजती नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजी है, ठीक है। लड़की आई है पहले, उसने कहा कि मैं यहाँ पर आने लगी, उसने अनाउंस किया सोशल मीडिया पर। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देंगे लड़की का शुरुआत है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दूंगा कि लड़की जो भी है, ठीक है, उसे अपना लिबास अपना एक अच्छा अंदाज में आना चाहिए। हम ये लोग तो कहते हैं कि हम मदीना की रियासत हैं, लेकिन हम मदीना की रियासत क्यों नहीं बन सके? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। ये हम क्यों नहीं बन सकते मदीना की रियासत? मदीना की रियासत क्या है? मीनार पाकिस्तान वाले लोग चाहते हैं, लोग जिसके लाहौरी चाहते हैं, सिर्फ लाहौरी नहीं चाहते, ये पूरा पाकिस्तान चाहता है। मदीना वाली रियासत उस वक्त याद आती है जब किसी के साथ ज्यादती होती है, किसी लड़की के साथ ज्यादती होती है, उस वक्त क्यों नहीं याद आती? दरंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वीडियो नहीं है सर, ये वीडियोज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? काम है 400 बंदे ने 400 बंदे तो नहीं कह सकते, ये भी ज्यादती का वर्ड है, सब यूज कर रहे हैं मीडिया, हालांकि मैं आपका नाम नहीं ले रहा। 400 से बड़ी मुश्किल से 40 होंगे, पीछे 360 आए थे, कहने के तो 400 कह रहे हैं, हजूम कह सकते हैं ना, हजूम कह सकते हैं। चार तकरीबन आप देखेंगे 14 अगस्त वाले दिन पाक जो, तो वजीर आला साहब ने यहाँ क्या एक्शन लिया? वजीर आला साहब ने एक्शन लिया, बल्कि वजीर आजम साहब ने भी एक्शन लिया, उन्होंने कहा, उन्होंने अहकाम जारी करने हैं। जो वजीर आला हैं वो तो वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने वो तो नहीं, लेकिन उन्होंने अहकाम जारी करने होते हैं, उन्होंने DIG या जो भी और आला अफसर, इमरान खान शाबाशी देंगे इस मौके पर? उन्हें शाबाशी तो नहीं देंगे, तो क्या करना चाहिए? उनका फर्ज बनता है कि वो अपने माशरे को अच्छाई की तरफ लेके जा सकें, तो उनका काम बनता है कि जो बुराई है उसे दूर रखें। जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सियालकोट से। जी इस तमाशा लाहौर के बारे में क्या कहेंगे आप? ये इसकी सर एक नौइयत तो ये है कि लड़की जब आई है वो उसको पता है कि मैं इतनी फेमस हूँ, मशहूर हूँ, तो उसको पहले किसी जगह यानी थाने वगैरह में इतला उसको देनी चाहिए थी। अब तो थाने में तो उसने इतला उसके बवाके के बाद भी नहीं दी, ये उसकी गलती है ना, वो जो अपनी गलती है उसको भी वो तस्लीम करे, ताकि ये जो वाक़या हुआ है ये आप देख लें कि इस दरंदगी को आप क्या कहेंगे जो यहाँ? बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल एज ए इस पहलू। मीनार पाकिस्तानी की सिक्योरिटी कहाँ थी? ये तो मुतअल्लिका अफराद से पूछा जाए कि कहाँ थी। आपके बारे में आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए थी, बिल्कुल इससे ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि ऐसे जो दिन होते हैं जहाँ आवाम ज़्यादा होती है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा की जाए और मज़बूत की जाए। वाकया बहुत गलत हुआ है, कोई भी इज़्ज़तदार माँ बहन वाला गैरतमंद इंसान इस वाक्य को कंडेम कर रहा है और इस वाक्य की सख्त मजम्मत कर रहा है। ये जितने भी लड़के थे इनकी क्या मायने माएँ बहनें नहीं थी कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, हम कौन सा लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि ये हमारी माएँ बहनें? सर ये आप किस एरिए से हैं? पंजाब के तौसा शरीफ। सर कहते हैं कि ये कुछ पेंडू लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ गाँव में तो सर छत पर भी चढ़ते हैं तो आवाज़ लगा के चढ़ते हैं। सर गलत बयानिया दिया जा रहा है, हम पेंडू लोग जो है ना, हम अपनी माओ बहन को जो भेजते हैं वो भी बुरका पहन कर जाती हैं। आजकल आप देख लें इधर तो मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके पॉइंट के साथ ही खड़ा हूँ। तासुर दिया जा रहा है कि वो पेंडू लोग थे,
वो जनूबी पंजाब के लोग वहाँ नहीं बसते क्या? क्या बताएं अब, ये जो गर्ल्स है ना, इनका बनता ही नहीं है यहाँ पे आना। 14 अगस्त वाले दिन आए हैं, एक बहुत गलत बात है। वीडियो बना आ गया है, कोई मसला नहीं, मतलब कि वीडियो बनाने आ गया है, सुनने में आया कि फ्लाइंग शिफ्ट वगैरह वाले नहीं है। तो फिर जब बॉयज़ को कोई गर्ल्स कहेगी तो फिर तो उसने खुद मतलब रिस्पॉन्स नहीं लिया, फिर बॉयज़ ने तो आना है। वैसे बॉयज़ ने गलत किया है, लड़की भी कुछ गलत है। वैसे हमारे पाकिस्तान में ये माशरा तो इन दिता के कपड़े फाड़ दिए गए, गलत हरकत की, गलत बात है। तो इसके मीनार पाकिस्तान के अलावा भी बहुत जगहों पर ये दस दराजी का वाकियात हुए हैं। तो फिर ये मतलब कि पुलिस वगैरह इशू लेना, मतलब कि वीडियो बनाना बंद कर दें। जो गर्ल्स की वीडियो बनाती हैं साथ में आए ना सारे, तो मतलब कि फ्लाइंग केस वगैरह ना दें, जो खुद रंगबाजियाँ लगाते हैं ये ना करें। बंद कर दिया जाएगा या बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद कर देना चाहिए सर, क्योंकि इस तरह और भी आएगा। इस तरह जो ऐसा हुआ है ये बहुत गलत काम हुआ है सर, और ये सारा जो गलती है लड़की का है, वो क्यों इधर आता है? ये अकेला नहीं आना चाहिए। हाँ, उसके साथ माँ आता है, उसके साथ और बहन आता तो फिर वो ठीक है, लेकिन अकेले आना इधर तो ये गलत बात है। हम तो मुसलमान हैं और पाकिस्तानी है, तो तकलीफ़ हुई है। एक तो ये बात उन्होंने की है कि ये जनूबी पंजाब से लोग आए हैं, जनूबी पंजाब से ये लोग बिल्कुल नहीं आए थे। एक दो जनूबी पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में नहीं है जी? पाकिस्तान तो पाकिस्तानी हुए ना सर, एक दो लोग हुए। इन्होंने ये तासुर दे दिया है कि यहाँ के लोग ज़्यादा शरीफ हैं और वो बदतमीज़ और कमीने लोग वहीं पर रहते हैं। और दूसरा ये जो नहीं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि छत पे भी कोई अगर गांव में चढ़ता है तो आवाज़ लगा पर्दे का कहता है। एग्री करेंगे आप मेरे हेलो पाकिस्तानी की इस पॉइंट की? बिल्कुल सर, मैं एग्री हूँ। ये मीनार पाकिस्तान, वो सामने सिक्योरिटी वाले, अगर 400 बंदों का हजूम हो, वो हुटिंग कर रहे हों, बंदे को दूर से पता चल रहा है कि चल रहा था कि इधर सिक्योरिटी में डॉल्फिन भी तो है, वो भी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, 2.5 घंटे जो है वो कह रहे हैं। एंटी राइट फोर्स भी तो है, लाहौर की पुलिस भी तो है। यही तो है ना, लेकिन नज़र कहीं पे नहीं ना आती ना। कि मैंने वो लड़की का बयान, वो इंटरव्यू सुना है, जिसमें वो बार बार जो है यही दुहाई दे रही है कि मैं रियासत मदीना की बेटी हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, अगर रियासत मदीना की बेटी हो, उसे ये सब चीज़ें जचती हैं? एक अहम मसले के लिए जो आप इतनी दूर से इधर आए हैं, जैसा कि अभी आपने पहले बताया कि आप जो है प्रॉब्लम तो सब बता रहे हैं, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि हम इसका कोशिश करेंगे, इसका सलूशन आपको दे के जाएं। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर इसको मंतगी जो अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, यह हर पाकिस्तानी का मिशन है कि हल दिया जाए। बिल्कुल, अगर सलूशन हो तो जो है फिर हमारे जितने भी हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उन सब को भी जो है इस पर गौर करना चाहिए। हेलो पाकिस्तान कराची से आए सिर्फ एक स्टोरी कवर करने के लिए, तो एक बहुत ही अजीब की बात है कि इतना कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ फैशन से होती है, कि अगर ये कराची से सिर्फ एक स्टोरी कवर करने के लिए लाहौर आए हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, मीनार पाकिस्तान हुआ, इस पर आप क्या रोशनी डालें? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वासिफ़ काज़मी। और ऐसे है कि ये खुद जानबूझ के आई थिंक इन्होंने प्लान्ड किया है। और जहाँ तक बात है सिक्योरिटी के हवाले से, जो फीमेल्स जितनी भी हैं उनको जो है ना, अगर वो अकेली किसी भी जगह पर जा रही हैं तो ऐसे उनको, एक दूसरा वाक़या भी हुआ रिक्शे वाला भी, तो दैट इज़ वेरी मिजरेबल सिचुएशन। तो हम सबको इस चीज़ का टेक केयर करना चाहिए कि हमारी माएँ बहनें भी हैं जो भी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, नुमान नाम है मेरा। तो चाहे ये पब्लिसिटी स्टंट था जो भी था, हमारा जो लॉ कहता है ना, अगर आपका कंसेंट नहीं है तो आप किसी को इस तरह हरास नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते, उनके साथ ये हरकत नहीं कर सकते जो यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो बैकग्राउंड के बारे में हमें नहीं देखना चाहिए, जो करंट इंसिडेंट है उस पर बात करें तो ये बहुत बुरा हुआ है। दैट वाज अ इंसिडेंट जो हमें शो करता है कि हम कितने गिर चुके हैं एज अ कौम। तो लॉ नहीं है तभी तो लोग इतना बढ़ावा ले लेते हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा। चार पाँच कुछ, कुछ यूथ जो है ये कह रही है कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाएं, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? टिकटॉक पर पाबंदी अब छुरी है, उसको आप जो है ना काटने के लिए भी यूज़ करते हैं सब्जियां, और लोग जो है ना कत्ल करने के लिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है, पाबंदी हल नहीं है, तरबियत द प्रोसेस जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, हमें बेहतरी लाने के लिए लॉज अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो सकता है कि बेहयाई जो टिकटॉकर फैला रहे हैं उन पर तो पाबंदी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, उस पर होनी चाहिए, बिकॉज सस्ती शोहरत जो लेना चाहिए, ऑब्वियसली ये उनकी तरबियत इस तरह से नहीं की, बिकॉज इससे इस्लामिक स्टेट, अगर इस्लामिक ना भी होती तो भी जो है ना, आप जगह अगर जो है ना बेहयाई और फाश कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली जो है ना उसका एक वो आप एक्शन कर रहे होते हो तो उसका रिएक्शन गलत ही आएगा। तो अदरवाइज मैं जो यूथ है उसको बेहयाई चले मान लेते हैं, दरंदगी जो हुई उस पर क्या रोशनी डालेंगे? ये तो वीडियो नहीं, वीडियोस बनी है इसके अलावा भी। बेसिकली
रोशनी तो काफ़ी डल चुकी है इसके ऊपर। लाइमलाइट में इस तरह के पहले भी इंसिडेंट्स काफ़ी आ चुके हैं, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हम लोग लाइमलाइट देते हैं, उसके बाद हम गायब कर देते हैं इंसिडेंट को, जब तक कोई सजा सही कह रहे हैं आप, कानून होना चाहिए, कोई रूल नहीं आएगा जब तक हम एक दो लोगों को सर हम पनिश नहीं करेंगे, तब तक वी आर गोना सी इंसिडेंट्स लाइक दैट इन द फ्यूचर एज वेल। मेरी होप है कि ना हो, लेकिन जिस तरह हमारे ट्रेंड्स आ रहे हैं दिन ब दिन बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो दुआ ही कर सकते हैं। बाकी जो उस दिन वाकया हुआ है उस हिसाब से लड़की के साथ हुआ गलत है, लेकिन था ये सारा प्री प्लान। लड़की की गलती 100% है, लड़कों की भी गलती है कि उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत गलत किया है। साइड नहीं होती ना हर एक चीज़ की। अब लड़की कह रही है कि मैंने पुलिस वालों को रिपोर्ट की थी, जब 14 अगस्त को है ऑन एयर, 18 अगस्त को हो रहा है, ये क्या बात? ये मीडिया सो रहा था, मीडिया ने भी सोना शुरू कर दिया क्या? आप सोशल मीडिया की ड्यूटी है क्या सारी? दोनों का कसूर है। हेलो पाकिस्तानी जिंदाबाद, हेलो पाकिस्तानी जिंदाबाद, यानी हर पाकिस्तानी की पहचान है। हेलो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की पहचान, हेलो पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की पहचान है।